अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप पियोनियर के अंदर बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं टू स्मॉल डिपॉजिट्स वाली। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिसीविंग अकाउंट्स हैं यूएसडीटी के, यूरो के, जीबीबी के, वो अभी भी पेंडिंग पर जा रहे हैं, वो अप्रूव नहीं हुए। यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो अभी तक हमें जो है वो रिसीव नहीं हुई। और इसके अलावा हमारे पास जो बैंक वेरिफिकेशन है स्मॉल डिपॉजिट्स वाली, उसको अब हम कंप्लीट करते हैं। होम पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, यूअर अकाउंट इज़ अप्रूव, लेकिन अभी तक हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। सबमिट नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे भी सबमिट नाउ पे क्लिक करके हम जो स्मॉल डिपॉजिट्स हैं वो पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और वेरीफिकेशन सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। हिस्ट्री के अगर मैं अंदर आप लोगों को चेक करवाऊं तो नेशनल आईडी कार्ड जो है वो हम अप्रूव करवा चुके हैं 2 मार्च को, और रिसीविंग अकाउंट्स हमारे अंडर रिव्यू हैं। इसके अलावा ओपन आइटम के अंदर हमें दिखा रहा है टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है हमने ऐड किया है, तो इसकी वेरिफिकेशन कम्प्लीट करने के लिए सिंपल सा हम जहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस शो होता है कि वही वेल डिपॉजिट टू स्मॉल अमाउंट्स टू टेलीनार बैंक, यानी कि टेलीनार बैंक के अंदर स्मॉल डिपॉजिट्स आई हैं वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं जो स्मॉल डिपॉजिट्स हमें रिसीव हुई हैं और यहाँ पर हम उनको पुट करते हैं। तो सिंपल सा पहले पीकेआर में ये हमें नज़र आ रही है, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपको और नज़र आएंगी 0.16 और अमाउंट दूसरी हमारे पास है जी 0.08। अब सिंपल सा हम इसको करते हैं वेरीफाई, तो अभी यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो ये इनवैलिड दिखाएगा और तकरीबन 4-5 बार आप लोगों को मौका मिलेगा, उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों की बैंक वेरीफिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। बैक टू वेरीफिकेशन सेंटर वाले पेज पे चले जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैंक वेरीफिकेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है बिल्कुल आसानी के साथ। अब हम होम पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो मुकम्मल तौर पर अप्रूव हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अभी भी रिसीविंग अकाउंट जो है हमारे पेंडिंग पर हैं और मैं चेक करवा देता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अप्रूव हो जाएंगे। व्यू डिटेल्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स हमें जो है वो मिल चुकी हैं, स्विफ्ट कोड, चेकिंग अकाउंट नंबर वगैरह तमाम डिटेल्स मिल चुकी हैं। तो इस तरह से आप जैसे ही बैंक वेरीफिकेशन कम्प्लीट करेंगे तो आप लोगों को भी रिसीविंग अकाउंट्स जो है वो मिल जाएंगे और आप लोगों की जो पेंडिंग प्रॉब्लम है, अगर रकम पेंडिंग जा रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी भाई को नहीं समझ आई या वो खुद नहीं कर सकता तो साथ में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दूंगा, मैं उसे गाइड कर दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप लोगों का थोड़ा मुश्किल काम हुआ लाइव चैट के ज़रिए करना होगा पियोनियर टीम के साथ, तो फिर मैं आप लोगों से कुछ चार्जेस लूँगा और आप लोगों का ये मसला हल करवा दूँगा। अगर ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।